नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है टीएलआर। 26 जनवरी के बाद ट्रांसफर्स और पोस्टिंग का ऑर्डर भी जो है वो निकल कर सामने आया। आप तमाम लोगों को बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग का ऑर्डर जो है वो निकल कर सामने आया, इसमें जो है आप तमाम लोगों को बता दें कि बहुत सारे एसएसपीज की जो है वो ट्रांसफ़र तबादले जो है इन तमाम लोगों के हुए हैं, जिसके बीच डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो एसएसपी थे उनका भी तबादला जो है वो हुआ है। पूरी खबर जो है आप तमाम लोगों को बताएंगे। खासकर आप तमाम लोगों को बता दें तो लगभग जो है 60 से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र किया गया है, जितने भी जो है पुलिस के अंदर या और बाकी विभागों में जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन तमाम जो ऑफिशल्स थे, इन तमाम जो कर्मी थे, इन्हें जो है वो तबादला किया गया है। किसका कहाँ तबादला हुआ है ये बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट डोडा से मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि एसएसपी जो अब्दुल कयूम जी थे, उन्हें यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र करके एसएसपी किश्तवाड़ जो है अब वो बनाया गया है। और इसी बीच सुबह से जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्टें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं, और जिसमें हर एक जो है अपनी बेस्ट विशेज एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम जी को जो है वो दे रहा है। आप तमाम लोगों को बता दें कि एसएसपी अब्दुल कयूम जो डोडा में थे, उन्हें जो है वो एसएसपी किश्तवाड़ जो है वो बनाया चुका है। लेकिन अब डोडा मिस पीडी नित्या जो आईपीएस हैं वो डोडा के लिए जो है वो आई हैं, यानी कि अब वो डोडा में एसएसपी नियुक्त हुई हैं। इससे पहले अब वो ले में जो है अपनी सेवाएँ जो है वो पूरी कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो रिसेंट ही कल के दिन में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के ऑर्डर निकल कर सामने आए, उसमें एसएसपी डोडा को एसएसपी किश्तवाड़ चुना गया, मिस पीडी नित्या को एसएसपी डोडा जो है वो चुना गया है। और इसके अलावा आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से एसएसपी अब्दुल कयूम जी ने डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है वो काम किया है। तमाम लोग जो हैं वो बेस्ट विशेज अपनी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उनके लिए, और आप तमाम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से जो है डोडा पुलिस ने मेंटेन किया हुआ था। जो भी डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर स्मगलर्स हैं, जितने भी नशे तस्कर्स हैं, उन पर जो है नकेल कस के रखी हुई थी, क्योंकि हर बार जब भी आप स्पीच सुनते थे उनकी तो उनका यही कहना होता था कि डोडा को नशा मुक्त जो है वो बनाना है, और उसके लेकर भरपूर काम जो है एसएसपी अब्दुल कयूम जी और उनकी टीम के द्वारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर किया गया। लेकिन फिलहाल इस समय जो ये खबर निकल कर सामने आई, उसमें ये बताया जा रहा है कि एसएसपी डोडा को जो है वो ट्रांसफ़र करके एसएसपी किश्तवाड़ जो है वो नियुक्त किया गया है। और साथ ही में जो डोडा में जिनकी पोस्टिंग हुई है वो पीडी नित्या ये आईपीएस हैं, और इन्हें जो है एसएसपी डोडा पोस्ट कर दिया गया है अब्दुल कयूम जी की जगह पर। और इसके अलावा ये इससे पहले ले में अपनी सर्विसेज दे रही थी, और इसी के साथ में जो एसएसपी किश्तवाड़ थे श्री खलील अहमद पोसवाल, उन्हें जो है वो ट्रांसफ़र करके उनकी पोस्टिंग जो है वो कमांडर जेकेएपी 9th बटालियन जो है वो की गई है, और वो श्री ताहिर सलीम खान की जगह पर जो है वो आए हैं। तमाम लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम जी की पोस्टिंग जो है अब एसएसपी किश्तवाड़ के तौर पर जो है हुई है। इसके अलावा जो एसएसपी किश्तवाड़ थे उनकी कमांडेंट जेकेएपी 9th बटालियन में जो है वो हुई है, और इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट डोडा को भी जो है वो मिलने जा रही है, जिनका नाम पीडी नित्या है, ये आईपीएस हैं। देखना यह है कि किस तरीके से अब आगे का जो कंधों पे बार उनके डिस्ट्रिक्ट डोडा का आएगा, किस तरीके से जो है ये अपना काम डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर करती हैं, किस तरीके से अपनी सेवाएं जो है वो यहाँ पर दे पाती हैं। आप तमाम लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए राजकुमार को इजाज़त, बने रहें टीएलआर के साथ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।